इसी रेल सावी की सवारी में सावी और नित्यम एक साथ पहुंच गए हैं, जहां सावी बन गई है रिक्शा यूनियन लीडर। ऐसे में कई सारी अनाउंसमेंट्स होती हैं और नित्यम भी देता है काफी लंबी स्पीच, लेकिन लगता है कि नित्यम और सावी के फैसलों से रिक्शे वाले खुश नहीं हैं। तभी तो देखिए कैसे हो गया है बवाल और सावी के नाम पर सभी लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। भाई सावी तो हो गई है परेशान, वो तो सबका भला करना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं उनका बिजनेस बंद करना चाहता हूँ, या उनको ऐसा लगता है कि मैं उन पर राज करना चाहता हूँ कि वो सब कुछ जो भी करेंगे वो मेरे ऐप के हिसाब से, जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है उसके हिसाब से करेंगे। सो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक रॉन्ग नंबर फीड है, लेकिन मेरी इंटेंशन ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सच में लोगों का भला हो और मेरा जो बिज़नेस है उसका भी फ़ायदा हो। दोनों तरफ मेरा है कंसर्न है कि मेरा बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे फिर से अवार्ड मिलना चाहिए। सावी ऑटो रिक्शा वालों के साथ बहुत अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं उनका भी भला होना चाहिए, लेकिन लोगों ने मुझे गलत नहीं, सावी सपोर्ट दोनों को कर रही है, मुझे भी कर रही है और ऑटो रिक्शा जो कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि फ़ाइनल उनका कॉल क्या है, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं हो सकता, तो किसी एक की तरफ उनको जाना होगा। मैं चाहूँगा, मतलब नित्यम चाहेंगे कि सावी उनका साथ दें, लेकिन अब सावी क्या चाहती हैं ये टोटली उनका डिसीजन है। अब देखना है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितनी भी ऑडियंस हैं, उनको भी आई थिंक एक क्यूरियोसिटी होगी कि सावी किसका साथ देंगी। ये एक एप्लीकेशन है छत्री प्रसाद एक्सप्रेस, तो इसके थ्रू जो हमारे जो कैब सर्विस होती है वो अब ऑटो रिक्शा की सर्विस हमारे ऐप के थ्रू होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा में। सो यही सब ड्रामा है कि मैंने इलेक्शन के लिए मना किया था सावी को, लेकिन उसके बाद में उन्होंने हाँ की। कहीं ना कहीं मैंने अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का, और अब सावी को एक ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ फरेब किया, लेकिन मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं सबको बैलेंस करके चलूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। सोनम की बात मैं आ गया हमें, और सोनम को मैंने बोला भी कि अब ये सब जो तमाशा हो रहा है इसकी जिम्मेदार तो। तो सावी और नित्यम मिलकर कैसे इस मुश्किल का हल निकालते हैं ये देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।